फाइनली मेरा जो गूगल का एडसेंस पिन है वो आ चुका है। अब मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस वीडियो में, और इसमें जो भी प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस पिन कैसे वेरीफाई किया जाता है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने गूगल एडसेंस जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है वो भी किया हूँ। मैं अपने चैनल पे वीडियो भी डाल दिया हूँ, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और गूगल एडसेंस पिन कितने दिन में आता है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और इसे कैसे वेरीफाई किया जाता है, गूगल एडसेंस के साथ पिन कैसे डाला जाता है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए। एक्शन बटन क्या होता है, गूगल में एडसेंस में बैंक कैसे ऐड किया जाता है, वो सब आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और पिन को कहाँ डालना है वो भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, और ये पिन डालने से क्या होगा सारा प्रॉब्लम आपको इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स आपके इंतजार में है। तो इस तरह से गूगल का एडसेंस पिन इस बॉक्स में आता है, और इसमें आपको गूगल एडसेंस 6 अंकों का पिन दिया जाता है, जिसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपको गूगल का एडसेंस में आपको जाके पिन डालना है और आपको वेरीफिकेशन कर लेना है। एड्रेस वेरीफिकेशन इसे कहते हैं। और इससे पहले मैं वीडियो में बता दिया हूँ कि गूगल को आइडेंटिटी वेरीफिकेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं पहले बॉक्स को खोल लेता हूँ। अगर आप गूगल आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और चैनल मोनिटाइज कैसे किया जाता है वो भी वीडियो इसी चैनल पे मैं डाल दिया हूँ। और मेरा चैनल जो मोनिटाइज हुआ था वो सिर्फ एक दिन में हो गया था, यानी कि 15 से 16 घंटे में हो गया था। और आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करने के बाद आपको एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए पिन अप्लाई करना होता है, वो भी बता दिया हूँ इसी चैनल पे, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, आपको मैं पूरा हेल्प करूँगा। और देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं बॉक्स को ओपन कर दिया हूँ, अब इसमें से पिन आएगा। तो इस तरह से कुछ पिन रहता है, और उसको कहाँ डालना होता है 6 अंकों का पिन, तो आपको गूगल एडसेंस खोल लेना है क्रोम में, और उसे डोरस्टेप साइट पे आपको करके इस तरह से आपको आ जाना है। तो मेरे अभी चैनल में लास्ट 9.84 डॉलर आ चुका है, और मैं यहाँ एक्शन बटन भी आ गया है, तो एक्शन बटन पे आपको क्लिक करना है। इसी तरह से आपके सामने भी आपका इंटरफेस हो जाएगा जब आप क्रोम पे अपना गूगल एडसेंस खोलेंगे। तो इस तरह से आप खोलने के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन देखिए नीड अटेंशन दिया गया है, और यहाँ पे 6 अंकों का वेरिफिकेशन पिन डालने के लिए बोल रहा है। तो इसी में आपको वो 6 अंकों का जो पिन दिया गया है गूगल के तरफ से वो आपको डालना है। तो चलिए मैं अपना गूगल पिन डाल देता हूँ, और सबमिट का ऑप्शन आएगा नीचे में, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन 1 सेकेंड में हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए रिसेंट का पिन आ रहा है, और सबमिट का, तो सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। और देखिए एड्रेस वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ यही होगा कि आपको 100 डॉलर पूर जाएगा अगर आपके गूगल एडसेंस में, तो आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो बैंक कैसे ऐड किया जाता है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ आप पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, और उस पर आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। और देखिए दोस्तों, मैं फर्स्ट बार ही ये सब कर रहा हूँ, अगर आप भी फर्स्ट बार इस तरह से फंसे हुए हैं तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले